नमस्कार, भोजपुर दर्शन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश तिवारी। छात्र संघ चुनाव की जो अटकलें लगाई जा रही थी उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पहली बार विश्वविद्यालय के द्वारा छात्र संघ चुनाव की तैयारी की जा रही है। छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन की जो अंतिम तिथि की घोषणा किया गया था उस अंतिम दिन में विभिन्न महाविद्यालयों में काफी संख्या में उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि नामांकन पत्र दाखिल को लेकर विभिन्न कॉलेजों में काफी गहमा गहमी की माहौल थी। छात्र संघ चुनाव में नामांकन में काफी संख्या में महिलाओं ने भी अपनी भाग्य आजमाने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। आइए देखते हैं कि विभिन्न कॉलेज में किस प्रकार छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन पत्र छात्र छात्राओं ने दाखिल किया। तुम इधर आ जाओ, पीछे और यहाँ उधर और आगे, और आगे हमें उसको सुधारेंगे। सबसे पहले दूसरे को डिसिप्लिन में रखने से पहले हमको खुद को डिसिप्लिन में रखना होगा। और जो हमारे कॉलेज में लड़कियां ड्रेस नहीं डेली रेगुलर पहन के आती हैं वो ड्रेस होना चाहिए, रेगुलर क्लास होना चाहिए, बहुत सारा कमी है। दूसरे को सुधारने से पहले हमको खुद को सुधारना पड़ेगा। जितने के बाद तो फिर नाम बताइए। मेरा नाम पल्लवी प्रियदर्शनी हुआ। किस पार्टी से? हम ABBP। ऐसे नहीं, बहुत सी यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि बदल दिया जाए। हम उन चीजों को यहाँ पे बदलेंगे और उन चीजों को हम यहाँ पे सुधारेंगे। अभी भी देखा जाए महंत महिला कॉलेज में बहुत सी कमियाँ देखने को मिलती हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक एक कमी जहाँ पर भी है हम वहाँ पे उस चीज को पता लगाए, उस चीज को हम बदल दें। आप ठीक है, नाम बता दीजिए। किस पार्टी से आप? हम कॉलेज की तरफ से खड़े हुए हैं। पार्टी वार्टी नहीं पूछी। छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे थे, हमारी मांग पूरा हुई। छात्र संघ चुनाव माननीय कुलपति माननीय कुलपति महोदय से मिलने काम किए, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने काम किया हमारे संगठन, जो कि छात्र संघ चुनाव पूरे बिहार में होने काम कर रहा है। जहाँ तक जीतने की बात है, जितना तो आप पूरे हमारे भाई साथ में हैं, जीतने के बाद या पूर्व में भी छात्र के हित में लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और जीतने के बाद जितना हो महाराजा लॉ कॉलेज के लिए पूरा ऐसा एक काम करेंगे कि पूरा बिहार में नाम रोशन करने का काम करें। अभी भी देखा जाए महाराजा कॉलेज में कोई भी काम यहाँ पर रुका हुआ है? जी, वर्तमान में अभी आपको देखने में लग रहा है कि महाराजा लॉ कॉलेज में बहुत सा ऐसा काम ठप है, जो कि छात्र संघ चुनाव होने के बाद अगर विजयी घोषित होते हैं तो महाराजा लॉ कॉलेज पर आते आते जो आपको समस्या दिखाई दे रही है हम तुरंत दूर करेंगे। और आपसे दावा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि हम जीतने के बाद इस काम को रखेंगे। नाम बता दीजिए। सुशील कुमार, सुशील सिंह टाइगर। किस पार्टी से हैं? छात्र जदयू जिला अध्यक्ष छात्र। कॉलेज के या जो सेवा किया है वो कॉलेज के छात्र छात्राएं ही बता सकते हैं। संडे छोड़ के 6 दिन सप्ताह में अभिषेक कुमार सिंह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इस कॉलेज के प्रांगण में आपको मिलता था और मेरे गिरवान पे एक भी दलाली का दाग धब्बा नहीं है। एक बार जब हम प्रधानाचार्य महोदय के पास गए और छात्रों की समस्या को रखें तो उन्होंने बोला कि आप हमेशा छात्र की समस्या को लेकर
यहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं। तो एक बात मैं खोख खखार के बोल रहा हूँ कि छात्र की समस्या को लेकर आपके पास आना गुंडागर्दी है, तो प्रधानाचार्य जीतने के बाद भी अभिषेक सिंह ये गुंडागर्दी करेगा। वो भी जितने बात प्रत्याशी करता है कि दावे के साथ काम करेंगे, आप कैसे कीजिएगा दावे के साथ यहाँ छात्र में? हमने किया है, आप मेरा बैकअप जाइए, हमने किया है, छात्र के पास जाइए, डिबेट करवाइए, जो नया आया उससे पूछिए आप क्या करेंगे। हम तो पूरे 4 साल कर दिए। अभी भी महाराजा कॉलेज में देखा जाए काम यहाँ पर ठप है। अभी भी देखा जाए यहाँ महाराजा कॉलेज में काम ठप दिखा गया है। क्या क्या आपको काम ठप दिखाई दे रहा है? जो भी काम यहाँ छात्र संघ का जो चुनाव है बाई स्टूडेंट इलेक्टेड पहली बार हो रहा है। इससे पहले हम पार्टी के अध्यक्ष थे, उतना मेरे पास पावर नहीं था कि, लेकिन फिर भी हमने भूख हड़ताल किया, धरना किया, उसके आधार पे जो भी आज देख रहे हो सब हुआ। छात्र हित के लिए हम हमेशा काम करेंगे, जरूरत पड़ने पर जो हमसे बनेगा वो करूंगा। नाम अभिषेक कुमार सिंह और मनीष कुमार सिंह। किस पार्टी से आप? अध्यक्ष महाराजा कॉलेज निर्दलीय कैंडिडेट। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ममित भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ममित भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? आप क्या कीजिएगा यहाँ जीतने के बाद? हम कॉलेज के सेवा करेंगे और यही करेंगे। जो भी छात्र हैं वही कहते हैं कि सेवा करेंगे, लेकिन आप दावे के साथ कैसे कीजिए काम करेंगे? हम दावे के साथ कर रहे हैं कि कॉलेज के कोई ऐसा दिक्कत होगा हम करेंगे। अभी देखा जाए महाराजा कॉलेज में काम यहाँ पर ठप दिखा गया है। नहीं, सब जीतने के बाद ये सब चालू हो जाएगा काम, अभी भी चालू करवा देंगे हम लोग काम। नाम बता दीजिए। नाम अमित कुमार। किस पार्टी से आप? हम आयशा से हैं। समस्या सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज्यादा अत्यधिक है, यहाँ पर कोई लड़का सुरक्षित नहीं रहता है। इस कॉलेज में आते हैं लोग, यहाँ के जो मैंने सबसे ज्यादा उनको यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है लड़का लोग को। दूसरी हमेशा दलालों का यहाँ पर माहौल रहता है, उसको हम लोग खत्म करेंगे। जितना भी नामांकन में जो धांधली होता है सब उसको हम लोग खत्म करेंगे। आप जीतने के बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा? तो आपको बताया नहीं कि हम लोग दावे के साथ कर सकते हैं यहाँ पे आप काम कीजिएगा? कितने दावे के साथ कीजिएगा कि काम करिएगा? छात्र से पहले से काम करती है, आप भी जाती है वाकिफ है इस बात से, आगे भी करती रहेगी जिस तरह से पहले करके आ रही है। नाम बता दो। चंदन कुमार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अमित कुशवाहा जिंदाबाद 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 रोहित कुशवाहा जिंदाबाद 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 छात्र संता जिंदाबाद 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 अमित कुशवाहा जिंदाबाद 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 रोहित कुशवाहा जिंदाबाद 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 छात्र संता जिंदाबाद 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 खड़ा हुए हैं जो भी होगा हम क्या कीजिएगा खड़े होने पर यहाँ पे छात्रों को जो होगा वो हम अभी देखा जाए छात्रों को बहुत समस्या यहाँ पे देखा गया है जो समस्या होगा हम छात्रों का उसके समर्थन जो दिक्कत होगा हम उनको उनके समर्थन हम खड़े होंगे उनको आगे प्रबोधित करेंगे नाम बता दीजिए रोहित कुमार को किस पार्टी से आप हम छात्र लोक समता पार्टी पक्ष से खड़ा हो रहे हैं और हम अपने छात्र ही तो हमारी पार्टी भी छात्रों के लिए बहुत शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत लड़ाई लड़ रही है और हम लोग भी इस छात्र संघ चुनाव में एसपी कॉलेज से लड़ रहे हैं और हम छात्रों के लिए संघर्ष बहुत करेंगे। अमित कुशवाहा एसपी कॉलेज का अध्यक्ष उम्मीदवार अभी फिट मत दिखाओ कॉलेज से खड़े हैं क्या सोच के यहाँ पर खड़े हैं आप यहाँ पर सही व्यवस्था को ठीक करने के लिए खड़े हैं हमारे बच्चे सब के लिए ग्राउंड सही नहीं है उसको ठीक करेंगे पहले सब बच्चे इधर उधर खेलने जाते हैं यहाँ पर अपना कॉलेज रहते हुए दूसरे कॉलेज में हम क्यों खेलने जाएंगे सब सफाई व्यवस्था सही है नहीं अभी यहाँ पर देखिए पानी लगा हुआ रहता है कॉलेज में यहाँ पर कोई व्यवस्था ही सही नहीं रहता है या जीतने के बाद आप काम कीजिएगा यहाँ पर करेंगे जरूर करेंगे कोई भी प्रत्याशी बोलता है कि जीतने के बाद काम करेंगे अगर नहीं करेंगे तो ब्राह्मण पर लगा दीजिएगा आप अचरण हम करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं मेरे बड़े भाई हैं यहीं पर खड़े हुए हैं इसीलिए नाम बता दीजिए अपना मेरा नाम मुकेश तिवारी पड़ेगा किस पार्टी से आप कांग्रेस पार्टी से जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम छात्र के सम्मान में सम्मान में बोलिए छात्र के सम्मान में सम्मान में सम्मान में आ गई चला भाई कौन चला भारत माता का चला कौन चला भाई कौन चला भारत माता का चला कौन चला भाई कौन चला भारत माता का चला मातरम मातरम वंदे मातरम जगजीवन कॉलेज क्या सोच के खड़े हैं यहाँ पर आप क्या सोच के खड़े हैं आप हम ये सोच के खड़े हैं कि जो भी छात्र हैं हमारे सहपाठी हैं जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर उनके जो भी दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज को दबाया ना जाए इसके लिए हम खड़े हैं कि ताकि ऐसा कोई संगठन ऐसा कोई वामपंथी ना खड़ा होकर उनके आवाजों को दबाए हम उन आवाजों के लिए हम खड़े हैं जितने के बाद क्या क्या कीजिएगा इस कॉलेज में आप जितने के बाद सबसे पहला मेरा ये यहाँ कि मेरा ये कॉलेज हो सबसे पहला ये भोजपुर का सबसे पहला ये कॉलेज हो जहाँ शिक्षित खड़ा है अभी भी देखा जाए जगजीवन कॉलेज में नरकीय स्थिति है यहाँ पर हाँ अभी जैसे बता रहे हैं कि यहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये बहुत गंदी है और बहुत बार हम मिल चुके हैं बहुत बार हम बता चुके हैं लेकिन किसी का नजर इस पर नहीं बनता लेकिन जब हम जीत के आएंगे तो उनको खुद नहीं भी चाहेंगे ना तो हो जाए नाम बता दीजिए मेरा नाम भुवन पांडे किस पार्टी से हैं आप एबीवीपी किस पार्टी से खड़ी हैं आप बीजेपी पार्टी से क्या सोच के खड़ी हैं आप क्या सोच के खड़ी हैं आप विधान करने अभी जगजीवन कॉलेज में देखा जाए कि अभी नरकीय स्थिति यहाँ पे लगा हुआ है जितने के बाद आप क्या कीजिएगा यहाँ पर अभी कई छात्राओं के देखा जाए कई छात्राओं के यहाँ पर अभी एडमिट कार्ड के लिए भगाया जाता है यहाँ